नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश भारद्वाज और आज आप देख रहे हैं मेरठ मैजिक में आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रहे जनरल शहनवाज हुसैन के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत में एक ऐसा नेता हुआ जिन्होंने 4 बार मेरठ से बड़े अंतर से लोकसभा का चुनाव जीता। ये नेता थे आज़ाद हिंद फौज के बड़े अफसर, उनका नाम था शहनवाज हुसैन। बाद में भारतीय राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में वे उभरे, मंत्री भी रहे। जब उन्होंने 1952 में मेरठ में पहली बार चुनाव जीता तो उनका परिवार और बेटा पाकिस्तान में थे। दरअसल उन्होंने खुद तो भारत में रहना मंजूर किया, लेकिन उनके परिवार ने पाकिस्तान से भारत आने के लिए साफ इनकार कर दिया। जी हाँ जो दोस्तों, जब वो मेरठ में 1952 में पहला आम चुनाव लड़ रहे थे तो इस शहर ने उन्हें हाथों हाथ लिया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के बड़े सेनानी थे और पाकिस्तान की जगह उन्होंने भारत में ज़िंदगी बिताने का फैसला किया था। उसी समय उनका बेटा पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुआ था। उसके बाद दोनों ने तरक्की, शहनवाज ने भारतीय राजनीति में सीढ़ी चढ़ी तो बेटे ने पाकिस्तानी फौज में तरक्की की। कुछ साल बाद जब वो भारत सरकार में मंत्री बने तो बेटा पाकिस्तानी फौज में बड़ा अफसर बन चुका था। शहनवाज ने 1992 में 92 से लेकर के 62 तक लगातार 3 संसदीय चुनाव मेरठ से जीते और 1967 के चुनाव में वो हार गए, लेकिन 1971 में वो फिर मेरठ से जीते। वो केंद्र में भी कई विभागों के मंत्री रहे। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान में लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा लहराने वाले जनरल शहनवाजी थे, जो आज भी लाल किले में रोज शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड का जो कार्यक्रम होता है उसमें नेताजी के साथ शहनवाज की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। यहाँ दोस्तों, 1956 में भारतीय सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के कारणों और परिस्थितियों के खुलासे के लिए एक कमीशन तैयार किया। उसके अध्यक्ष भी जनरल शहनवाज ही रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सन 1983 में उनका दिल्ली में निधन हो गया। अब उनकी याद में बनाया गया जनरल शहनवाज मेमोरियल फाउंडेशन गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करता है। इस फाउंडेशन का मुख्यालय नई दिल्ली के जामिया मिलेनियम इलाके में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जनरल शहनवाज हुसैन, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और देश के लिए उन्होंने बहुत कार्य करा। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में मेरठ आए। टाउन हॉल में उन्होंने कहा था कि जल्द ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना होगा और देश आज़ाद होगा। इतना सुनने के बाद पूरे टाउन हॉल में तालियां गूंज गई। जहाँ दोस्तों, टाउन हॉल के बाद वे राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ गए और फिर बेगम बाग के मैदान में उन्होंने बैठक की। वह रात में पंडित प्यारेलाल शर्मा के घर पहुँचे। राजकीय संग्रहालय मेरठ में उनके सफ़र को बयां करता है। खोसला आयोग में मेरठ की गवाही भी नेताजी पर गठित खोसला आयोग की रिपोर्ट में मेरठ के श्यामलाल जैन की गवाही का भी जिक्र है। वह प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के टाइपिस्ट थे। अपनी गवाही में उन्होंने कहा था कि एक दिन पंडित नेहरू ने कागज पर लिखा संदेश उन्हें टाइप करने को कहा था। कागज पर लिखा था, 23 अगस्त 1945 को बोस सागौन से विमान द्वारा रवाना हुए थे। दोपहर 1:30 बजे मंचूरिया पहुंच गए थे।
वहां से उन्हें कुछ